What's up guys, welcome back to another unboxing video and आज हमारे पास है Poco M5 जो कि आप लोग देख सकते हैं येलो बॉक्स में आया है ये डिवाइस। इसके अंदर फोन का बॉक्स है, ये आउटर बॉक्स है, येलो फिनिश है इस डिवाइस का एंड और भी वेरियंट अवेलेबल है जिस बारे में हम आगे बात करेंगे एंड इसका गेमिंग रिव्यू भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन इट्स अनबॉक्सिंग। तो गाइज ये बॉक्स खोलते ही अंदर पहले फोन का बॉक्स है और Poco का एक कार्ड है, इसको हम बाद में देखते हैं एंड बॉक्स के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज है ये चेक कर लेते हैं। येलो लुक दिया गया है, इसके अंदर आई गेस फोन का कवर होगा, इसके अंदर एक प्लास्टिक का कवर है एंड सिम ट्रे इजेक्टर है और कुछ डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा गाइस डिवाइस पे आते हैं थोड़ी देर बाद, उसके नीचे देखते हैं गाइस चार्जर एंड टाइप सी का केबल है। अब आते गाइस डिवाइस पे। ओ भाई फर्स्ट लुक टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, कंसिडरिंग इट इज अ बजट डिवाइस। वाई Poco का ये वाला लुक अब तक देखा नहीं था मैंने। तो गाइस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं पर उसके पहले ये जो भी एक्सेसरीज है इसको वापस अंदर भर देते हैं। तो सही में गाइस डिवाइस तो काफी स्टाइलिश है एंड इसका जो स्लीक डिजाइन है वो मुझे काफी पसंद आया एंड इसमें गाइस 6.58 इंचेस का स्क्रीन डिस्प्ले है जो कि प्रोटेक्टेड है बाय कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 एंड इसमें गाइस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। एंड गाइस इसमें एक और चीज जो मुझे बहुत कूल लगी वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि साइड बटन पे माउंटेड है। तो गाइस अगर इसके कैमरा की बात करें तो इसपे हैवी 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है अलॉन्ग विद एन 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। नाउ गाइस इस Poco M5 में एक पावरफुल मीडियाटेक हीलियो G99 का चिपसेट है जो कि इस सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। ऑल्सो गाइस ये चिपसेट हाई स्पीड परफॉर्मेंस देता है एंड डिलीवर्स बेटर पावर एफिशिएंसी विद इट्स 6nm चिपसेट। एंड गाइस इट्स ऑक्टाकोर सीपीयू विद टू हाई परफॉर्मिंग आर्म कॉर्टेक्स A76 कोर्स एंड आर्म माली G57 जीपीयू ऑफर स्मूथ मल्टीटास्किंग एडवांस gaming performance and a lag-free experience to the user. Now guys, along with the MediaTek Helio G99 chipset, this device comes with 6GB of LPDDR4X RAM along with 128GB of internal storage. So guys, ye specifications ke saath ispe game khelne ka alag hi experience rahega. So guys, let's try PUBG New State on it and dekhte hain kaisa rehta hai is device ka performance. So guys, hum log ek TDM khelenge New State mein. So dekhte hain kaisa rehta hai. Yahan pe ladai shuru ho gayi hai. Koi dikh nahi raha hai. Oh, dikha. गया एक तो गया। अरे 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 बाजू में खड़ा लेके मार रहा है बे। गाइस कंसीडरिंग एक बजट डिवाइस है गेम प्ले काफी स्मूथ चल रहा है इसमें। गाइस इसका टच रिस्पांस रेट भी काफी अच्छा है एंड लैग भी मुझे एज सच कोई फील नहीं हुआ है। लो देखते ठिल गया ये तो। छी भाई छी 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 क्रॉसबो मार दिया साले। एंड गाइज इसमें MediaTek HyperEngine 2.0 लाइट गेमिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें काउंटलेस नंबर ऑफ फीचर्स मिलते हैं जो कि आपके गेम के लोड टाइम को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, विच क्रिएट्स रिलायबल एंड लो लेटेंसी कनेक्शंस और ये रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली मैनेज करता है प्रोवाइड कॉन्स्टेंट हाई FPS एंड गाइज ये बैटरी लाइफ को भी मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। और गाइज मैं एक चीज बताना ही भूल गया दैट दिस Poco M5 कम्स विद अ ह्यूज 5000mAh बैटरी एंड इट कम्स विद अ 22.5W ब्रिक चार्जर एंड इट सपोर्ट्स 18W ऑफ चार्जिंग। गाइज मुझे पर्सनली ये डिवाइस बहुत अच्छा लगा, एक बजट डिवाइस सीकर को इतना कुछ मिल रहा है, अ फास्ट चार्जिंग, एक स्टाइलिश डिजाइन, 6.58 इंचेस की स्क्रीन अलोंग विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, MediaTek Helio G99 का चिपसेट और क्या ही चाहिए। आल्सो गाइस दिस डिवाइस कम्स इन 3 एक्साइटिंग वेरिएंट्स व्हिच इज द पावर ब्लैक, Poco येलो एंड आईसी ब्लू। सो गाइस इन द रेंज ऑफ एवरेज परफॉर्मिंग डिवाइसेस आई थिंक Poco ने एक फ्लैगशिप बैरियर क्रिएट किया है जहाँ पे इफ यू वांट टू हैव अ गेमिंग डिवाइस जहाँ पे आप बिंज वॉच करो, नेटफ्लिक्स देखो, सीरीज देखो, तो आई थिंक दिस डिवाइस इज डेफिनेटली मेड फॉर यू। बाकी गाइज आपको डिवाइस एक्चुअल में कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसी के साथ गाइज वी विल एंड दिस वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।